सेल्फ अग्रवाल। आज के वीडियो में मैं कक्षा 6 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए कंपोजिशन पार्ट में पैराग्राफ लेकर उपस्थित हुआ हूँ, जिसका पार्ट 4 मैं आपको बताने जा रहा हूँ। सबसे पहले मैं इस वीडियो को प्रारंभ करूँ, इससे पहले मैं आपको पिछले वीडियोज में एक क्लियर करना चाहता हूँ कि मैंने आपको 2 निबंध बताए थे, एक पिकनिक पार्टी और एन एक्सीडेंट, लेकिन कुछ तकनीकी खराबी से मैं एन एक्सीडेंट का पार्ट आपको उस वीडियो में नहीं बता सका। इसलिए अब इस पार्ट 4 में मैं आपको 2 निबंध बताऊंगा। पहला है हमारा एन एक्सीडेंट और दूसरा जो है वह हमारा विलेज फेयर, गांव का मेला। यह वीडियो न केवल 6-7-8 के लिए बल्कि 9-10 के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि परीक्षाओं में क्वेश्चन आता है। देखिए, एन एक्सीडेंट एक दुर्घटना, मानवीय स्वभाव है कि व्यक्ति असावधानी करता है। हम चाहे कितने भी सावधानी चल रहे हैं, पता नहीं सामने वाला किस मूड में आ रहा है। दुर्घटना हो जाती है, कितना भी बचना चाहते हैं लेकिन फिर भी कुछ न कुछ होता है। तो इसीलिए किस प्रकार से एन एक्सीडेंट पर निबंध है कि देखिए, एन एक्सीडेंट लास्ट डे आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड। तो लास्ट डे आई सॉ एन एक्सीडेंट ऑन द रोड, मैंने सड़क पर एक दुर्घटना देखी। किस प्रकार से आई वाज वॉकिंग ऑन द रोड, मैं सड़क पर चल रहा था, सडनली एक कार पास थ्रू ए फास्ट स्पीड, अचानक एक कार तेज गति से आई एंड हिट ए बॉय, और उस कार ने एक लड़के को टक्कर मार दी। द बॉय फॉलन डाउन अनकॉन्शियसली, बेहोश होकर वह लड़का जो था गिर पड़ा। द कार डिड नॉट स्टॉप, कार रुकी, एक्सीडेंट हो गया, बालक गिर गया लेकिन कार नहीं रुकी। मेनी पीपुल गैदर देयर, अनेक लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। मेनी पीपुल गैदर देयर, अनेक लोग वहां पर इकट्ठे हो गए। ए लॉट ऑफ ब्लड वाज फ्लोइंग आउट ऑफ हिज बॉन्ड्स, क्या हुआ इसका परिणाम, ए लॉट ऑफ ब्लड वाज फ्लोइंग आउट ऑफ हिज बॉन्ड्स, उसके घावों से बहुत सारा खून बह रहा था। ही वाज वीपिंग विद पेन, दर्द के मारे रो रहा था। एकदम तो बेहोश हो गया लेकिन फिर बाद में वो थोड़ी मूर्छा जागी तो वो दर्द के मारे रोना था। देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज, बहुत ज्यादा शोर शराबा होने लगा। जो लोग इकट्ठे हुए थे वो जोर जोर से चिल्लाने लगे। सम पीपुल टेलीफोन्ड द पुलिस, कुछ लोगों ने पुलिस को फोन कर दिया। टेलीफोन द पुलिस आई काम डाउन द पीपुल, मैंने लोगों को शांत किया कि रुको ऐसा नहीं। एंड हायर ए टैक्सी, एक टैक्सी किराए पर ली। आई टुक द बॉय टू द हॉस्पिटल, मैं लड़के को तुरंत अस्पताल लेकर गया। आई टुक द बॉय टू द हॉस्पिटल, मैं लड़के को अस्पताल लेकर गया। द डॉक्टर चेक अप द बॉय, डॉक्टर ने लड़के का परीक्षण किया, चेकअप किया। ही हैज ब्रोकन हिज आर्म अप, आर्म में भुजा, वो अपनी भुजा तोड़वा चुका था। ही हैज ब्रोकन अप हिज आर्म, अपने भुजा तोड़वा चुका था। ए लॉट ऑफ ब्लड हैड बीन फ्लोड, बहुत सारा खून उसके घावों से बह चुका था। देयर वाज
नीड ऑफ ब्लड ले, अब बहुत सारा खून बह गया तो आप जोड़ सकते हैं कि उसे खून की आवश्यकता थी। देयर वाज ए नीड ऑफ ब्लड, उसे खून की आवश्यकता थी, सो आई डोनेटेड द ब्लड टू द बॉय, इसलिए मैंने उस लड़के को खून दान किया, डोनेट कर दिया। ए प्लास्टर वाज टाइड अप ऑन हिज आर्म, उसके हाथ पर भुजा पर प्लास्टर बांधा गया। ही गेव सम मेडिसिन, प्लास्टर बांध दिया, ब्लड उसको चढ़ा दिया। उसके बाद ही गेव सम मेडिसिन, उसने कुछ दवाइयां दी, तो ही गेव सम मेडिसिन, उसने क्या है दवाइयां। I informed his parents, मैंने उसके माता पिता को सूचित कर दिया। They reached hospital immediately, सुनकर वे तुरंत अस्पताल पहुंचे। They thanked me for this help, और उन्होंने इस सहायता के लिए मुझे धन्यवाद दिया। It was a dreadful accident. यह एक भयानक एक्सीडेंट था। आई वॉज वेरी सैड, और मैं बहुत दुखी था। देखिए इस प्रकार से निबंध लिखा गया है। अगर हम में हिंदी में वाक्य बनाने की क्षमता है तो अंग्रेजी में आपका कैसा भी निबंध आ जाओ आप उसको निश्चित रूप से लिख दोगे। दो ही चीज चाहिए, ट्रांसलेशन एबिलिटी, बालक को टेंस का ज्ञान हो, ट्रांसलेशन करना आता हो और अच्छी वोकैबुलरी हो तो निबंध को लिख सकता है, उसे याद करने की जरूरत नहीं होती। तो आप सभी इस निबंध को लिख लें या अपना स्क्रीनशॉट ले लें, क्योंकि अब मैं आपको अगला निबंध बताने जा रहा हूं और वो है हमारा विलेज फेयर। ये सब घटनाएं होती है पास्ट टेंस में, इसका वर्णन होता है, तो पास्ट टेंस का अगर नॉलेज है तो हम बहुत कुछ अंग्रेजी में सीख सकते हैं और अच्छा अंक प्राप्त कर सकते हैं। तो लीजिए अगला निबंध जो मैं बताने जा रहा हूं वो है हमारा विलेज फेयर। सबसे पहले आपको ये क्लियर कर देता हूं कि विलेज फेयर मीन्स क्या होता है, गांव का मेला। अक्सर मेरे हमारे आसपास लगते रहते हैं तो उनका वर्णन किस प्रकार से किया जाता है, एक प्रकार से देखेंगे तो आंखों देखा दृश्य होता है कि जैसे आप मेले में गए तो आपने वहां पर क्या देखा जो आपको नजर आ रहा है। ऐसे तो निबंध होते हैं, इनमें याद नहीं किया जाता, इनमें केवल हमको देखा जाता है, आपका अनुभव चलता है। जैसे मेले पर निबंध आ रहा है तो आपको ऐसा लगना चाहिए जैसे मैं मेले में खड़ा हूं और मुझे क्या दिख रहा है वो वर्णन हमको लिखना होता है। तो देखिए ए विलेज फेयर, हिंदी में वाक्य आते रहेंगे, हम बनाते रहेंगे। लास्ट वीक आई वेंट टू विजिट ए फेयर, इट इज हेल्ड नियर माय विलेज, इट इज हेल्ड नियर माय विलेज। आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स, मैं वहां पर मेरे मित्रों के साथ। तो लास्ट वीक आई वेंट टू विजिट ए फेयर, इट इज हेल्ड नियर माई विलेज, आई वेंट देयर विद माई फ्रेंड्स, और मैं वहां पर मेरे दोस्तों के साथ गया। अब आगे देखेंगे क्या देखा। सबसे पहले उसने मेले में क्या देखा जो दूर से दिख जाता है, There were many
पुल इन द एयर। मेले में बहुत सारे लोग थे, देयर वर मेनी पीपल इन द फेयर। मेले में बहुत सारे लोग थे, दे वर वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स, नए कपड़े पहने हुए थे। दे वर वेयरिंग न्यू क्लॉथ्स। अब आगे बोलो, देयर वर मेनी शॉप्स ऑफ स्वीट्स टॉयज फ्रूट्स एंड अदर डोमेस्टिक आइटम्स इन द फेयर। डोमेस्टिक आइटम्स इन द फेयर। तो देयर वर मेनी शॉप्स, मेले में कहते अनेकों दुकानें थी, मिठाई फल खिलौने और अन्य घरेलू आइटम्स की दुकानें थी। सम पीपुल वर वाचिंग हेयर एंड देयर। सम पीपुल वर वाचिंग हेयर एंड देयर। कुछ लोग इधर उधर घूम रहे थे। द चिल्ड्रन वर ईटिंग स्वीट्स। चिल्ड्रन वर ईटिंग स्वीट्स एंड फ्रूट्स। दे वर लुकिंग चीयरफुल। तो दे वर लुकिंग चीयरफुल कैसे दिख रहे थे, बिल्कुल आनंदित। तो मेले में व्यक्ति जाता है तो खुश होकर जाता है, आनंदित होकर जाता है। नेक्स्ट, देयर वर मेनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स। तो देयर वर मेनी एंटरटेनमेंट प्रोग्राम्स इन द फेयर। तो मेले में कई मनोरंजन के कार्यक्रम थे। सम पीपुल वर सिंगिंग एंड डांसिंग। सम पीपुल वर सिंगिंग एंड डांसिंग। कुछ लोग गा रहे थे और नाच रहे थे। देयर वर मेनी राउंड अबाउट्स। मेनी राउंड अबाउट्स इन इट इन देयर। झूले चक्री भी थे। देयर वाज ए सर्कस शो। मेले में क्या सर्कस का भी कार्यक्रम था। देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज। तो मेले में अक्सर देखा जाता है शोर शराबा ज्यादा होता है। देयर वाज ए लॉट ऑफ नॉइज। मेले में शोर शराबा आवाजें बहुत थी। आई एंजॉयड दिस फेयर वेरी मच। आई एंजॉयड दिस फेयर वेरी मच। मैंने इस मेले का बहुत अधिक आनंद लिया। आई टुक टी एंड रिफ्रेशमेंट। I took tea and refreshment in the fair mainly and came back home। इस प्रकार से हमारे निबंध विलेज फेयर पर
6-7 आठ के लेवल पर इतना भी हम लिख देंगे तो बहुत कुछ सही है। 9वीं 10वीं के बालक इसको और आगे बढ़ा सकते हैं क्योंकि शब्द सीमा उनके ज़्यादा होती है, इसलिए आप इसको बढ़ाएं। तो इस तरह हमने एक मेले का वर्णन किया कि किस प्रकार से मेले में आनंद लेते हैं लोग, घूमते रहते हैं, मनोरंजन करते हैं, टाइम पास करते हैं, खाते पीते हैं, कुछ सामान वो खरीदते हैं। तो जो कुछ अक्सर मेले में होता है उसका वर्णन हम यहाँ पर करते हैं। इसी के साथ मेरा ये वीडियो कंप्लीट होता है। कृपया जिन भैयाओं ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल सब्सक्राइब करें और वीडियो को पसंद आने पर लाइक करें। इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें या इसको धीरे धीरे आप अपने नोटबुक में लिखते रहें और मेरे वीडियोज को शेयर अवश्य करें ताकि ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा विद्यार्थियों में फैले। धन्यवाद।